हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश मेला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल राकेश मेला में। अब आज हम हरियाणा करंट अफेयर्स का तीसरा वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर पूरे मार्च मंथ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। जी हाँ, आपको साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में 12 वर्ष से छोटी बच्चियों के रेप पर फांसी की सजा लागू करने वाला हरियाणा राज्य है, ये पूरे भारत का दूसरा राज्य बना। इससे पहले राजस्थान के अंदर 12 साल से छोटी बच्चियों के साथ रेप करने के ऊपर फांसी की सजा या मृत्यु दंड का प्रावधान है। तो हरियाणा दूसरा राज्य बना है ऐसा भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में अंत्योदय सरल केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये है फ्रेंड्स नीलोखेड़ी करनाल का जो क्षेत्र है, 30 लाख की लागत से ये केंद्र स्थापित होगा, अंत्योदय सरल केंद्र। नेक्स्ट है, हाँ, और ये जो स्कीम है अंत्योदय सरल केंद्र, ये जो भी तहसील के काम है, जो भी तहसील में जाकर काम करवाए जाते हैं उन्हीं को जल्दी करने के लिए चलाई गई एक योजना है। तहसील के जो भी काम है जो इंटरनेट के थ्रू होते हैं, ई दिशा के जो काम है वो बहुत ही जल्दी करने के लिए चलाई गई ये योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जींद शहर से जातिगत आधार पर जनगणना में किस जाति को पहली बार शामिल नहीं किया गया? पंजाबी। तो फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को पता है कि प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात जनगणना की जाती है, परंतु इस बार क्या है, हरियाणा के अंदर काफ़ी ज़्यादा मसला उठा हुआ है जो जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, जिसमें से एक SBC कैटेगरी है, जाटों को 10% आरक्षण दिया जा रहा है। तो उसी को ध्यान में देते हुए पहली बार जाति के आधार पर जनगणना शुरू कर दी गई है, और ये जो जनगणना है 10 वर्ष जो लगातार होती है उससे अब की बार पहले ही शुरू कर दी है। और इसकी जो शुरुआत है जींद जिले से की गई है, जिसके अंदर सक्षम योजना के 73 कैंडिडेट जो हैं इनको लगाया गया है। प्रत्येक घर का निरीक्षण करने के ऊपर उन्हें एक घर के ऊपर ₹5 दिए जाएंगे उन बच्चों को, सक्षम योजना के जो भी स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकेले फाइटर प्लेन चलाने वाली हरियाणा पहली हरियाणवी महिला भावना कंठ है, और ये है अम्बाला की रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। 7वें मलेशिया के कुआलालंपुर में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? इनका नाम है गौरी शोरान, ये है चंडीगढ़ की रहने वाली। शूटिंग चैंपियनशिप है ये, शूटर है गौरी शोरान। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गौरी शोरान है जो किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल व्यापार भारती मंडल के राष्ट्रीय महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? इनका नाम है बजरंग दास, और ये भिवानी के रहने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी इनकी नियुक्ति हुई है महासचिव के रूप में। अगला क्वेश्चन, परिवहन कर्मी नई स्थानांतरण नीति के अनुसार, अभी जो नई स्थानांतरण नीति 1 अप्रैल से लॉन्च हो जाएगी, लागू हो जाएगी, उसमें जो परिवहन कर्मचारी है, जो रोडवेज के कर्मचारी, उनके लिए क्या क्या योजनाएं हैं कि एक व्यक्ति जो परिवहन विभाग से संबंधित है वो एक जगह अधिकतम 5 साल तक अपना ट्रांसफर करवा सकता है, उसका प्रत्येक साल में एक बार ट्रांसफर होगा, 10 पसंद के स्टेशन जब ऑनलाइन फिल होंगे, ऑनलाइन रजिस्टर, ये सारा का सारा ट्रांजेक्शन जो है ऑनलाइन होगा, और इसके अंदर वो 10 अपनी पसंद के स्टेशन भर सकता है, और एक जगह वो अधिकतम 5 साल तक रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नू जिले में तबादला करवाने वाले अध्यापकों को 10% अधिक वेतन देगा। जी हाँ, ये जो नू है पूरे भारत का सबसे पिछड़ा जिला घोषित हुआ है नू, और इस अगर हरियाणा में कोई भी अध्यापक है जो अपनी नियुक्ति नू में करवाता है, नू जिसका पुराना नाम मेवात है, नू में करवाता है, उसे 10% अतिरिक्त वेतन दिया जाता है, 10% एक्स्ट्रा उसको पेमेंट दी जाती है। अगला क्वेश्चन, हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा जिला है जो सबसे पिछड़ा है, तो नू है, और अगर पूछा जाए कौन सा राज्य है जो सबसे पिछड़ा, तो बिहार राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य है भारत का। अगला क्वेश्चन देखिए, महिलाओं से आपराधिक मामलों में हरियाणा का स्थान 3रा स्थान है, मतलब सबसे ज़्यादा महिलाओं से जो आपराधिक मामले होते हैं वो हरियाणा में 3रे नंबर पे, हरियाणा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, दूसरा दिल्ली है, और 3रा हरियाणा है। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा किस जिले के अंदर, तो फरीदाबाद जिले के अंदर हरियाणा में सबसे ज़्यादा होते हैं। अगला क्वेश्चन, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बनाया गया रमेश बलहारा को, अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी नेक्स्ट एग्जाम होने वाले हैं उनको देखते हुए HSSC के लिहाज से, जींद का एक गांव है जिसका नाम है टोडी खेड़ी, जींद के गांव टोडी खेड़ी का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, इस गांव का नाम है सरना खेड़ी, ये नाम बदलकर कर दिया गया है सरना खेड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार की अनीता कुंडू, वेरी वेरी फेमस पर्सनैलिटी, सभी जानते हैं इनको,
इन्होंने अभी हाल ही में इंडोनेशिया की सबसे ऊंची जो चोटी है वो उसकी चढ़ाई की है। तो इंडोनेशिया की सबसे जो ऊंची चोटी है वो माउंट कारसेटेस, ये जो पर्वत का नाम है माउंट कारस्टेज, इस पर्वत की जाया बेजाया नाम की जो चोटी है इसको अभी इन्होंने पार किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया खेलो प्रतियोगिता चंडीगढ़ में जो हुई थी उसमें हरियाणा का पहला स्थान था। हरियाणा ने टोटल 102 पदक जीते इस प्रतियोगिता के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर लीडर्स समिट 2018 कहाँ होगा? ये तीसरा लीडर्स समिट है जो गुरुग्राम में हो रहा है इस बार, एग्रीकल्चर लीडर समिट। अगला क्वेश्चन, नियमों में संशोधन करते हुए राज्यसभा ने ग्रेच्युटी पर टैक्स राशि बढ़ा दी है 20 लाख रुपए। ग्रेच्युटी राशि वो होती है जैसे कोई भी कर्मचारी है जब वो अपनी रिटायरमेंट ले लेता है तो रिटायरमेंट के बाद जो उसे फंड दिया जाता है उसे बोलते हैं ग्रेच्युटी राशि। तो उसके ऊपर उसकी जो टैक्स राशि है, जिसकी रिटायरमेंट राशि 20 लाख रुपए मिलती है उसको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। स्वतंत्रता के पश्चात भिवानी के किस गांव में पहली बार तिरंगा फहराया गया? लगभग ये मतलब 70 सालों के बाद रोहतनाथ जो गांव है भिवानी का, यहाँ पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हमने हरियाणा करंट अफेयर मार्च महीने की दो वीडियो मैंने डाली है पहले 2 वीक्स की, और इस वीडियो के साथ पूरे हमारे मार्च महीने के कंप्लीट क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा 3 दिवसीय कृषि मेले का शुभारंभ कहाँ किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं 5 स्टार दे रहा हूँ, 5 स्टार क्वेश्चन है ये। रोहतक में शुभारंभ किया है मनोहर लाल खट्टर ने, और ये याद रखिएगा कृषि जो मेला है कहाँ आयोजित किया जा रहा है, रोहतक के अंदर। नेक्स्ट, हरियाणा की पहली महिला कोच जिनका हाल ही में निधन हुआ है, अनीता सहगल, 16वीं जूनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता सविता व रोहित कुमार ने जीता है, स्वर्ण पदक जीता है इन दोनों ने, सविता और रोहित कुमार ने। और नेशनल वुशु प्रतियोगिता हुई कहाँ है? कुरुक्षेत्रा के अंदर। अगला क्वेश्चन, 1 करोड़ी दंगल प्रतियोगिता जो भिवानी में चल रही है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1 करोड़ी दंगल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जा रही है? भिवानी के अंदर। और इस बार दिव्या काकरान जो है इन्होंने गीता फोगाट को हराकर 1 करोड़ रुपए की राशि जीती है इसके अंदर, दिव्या काकरान। नेक्स्ट, MiG-29 लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली सिविलियन महिला मेघा कुमारी है, और इनका जो नाम है लिम्का बुक के अंदर दर्ज कर दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में गायत्री मंत्र शामिल करने के निर्देश दिए हैं। जी हाँ, अभी राष्ट्रगान के साथ साथ प्रत्येक सरकारी स्कूल के अंदर गायत्री मंत्र का भी उच्चारण किया जाएगा, और एक नई प्रार्थना इसे भी पूरी तरह से स्वीकृत कर लिया गया, हमको मन मन की शक्ति देना, ये जो प्रार्थना है इसे भी शामिल कर लिया गया हरियाणा सरकार ने। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पिछड़ा जिला, जी हाँ हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये नूह है। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा सभ्यता से 800 साल पुरानी बलि प्रथा जो बलि दी जाती थी के साक्ष्य प्राप्त हुए कुणाल फतेहाबाद के अंदर है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, जून से शुरू की जाने वाली हिसार हवाई सेवा कौन सी एयरलाइंस देगी? हिसार से कहा जा रहा है कि जून से एयरलाइंस शुरू हो जाएगी, तो इसको दिया जा रहा है ये जो सेवा है, पिनाकले एयरलाइंस जो है ये अपनी सेवाएं देगी। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पूरी वीडियो देख रहे हो, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं बिल्कुल बेनिफिशियल होंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।